हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गणपति बप्पा मोरयाम। और यहाँ पर जो है ये वीडियो है सोमवार की, क्योंकि मंगलवार को गणपति विसर्जन है, तो शाम को हवन वगैरह होना था, तो उसी की ये वीडियो है। तो मैं यहाँ पर आरती की थाली जिसमें फूल है और लड्डू है जो चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पाई, तो सॉरी गाइज। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने मतलब स्थापित की थी मूर्ति, तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं हवन कराने के लिए। और मेरे बाबू ने तो क्या था कि मतलब मेरे जब पूजा वगैरह होती है तो सर पर रुमाल या कुछ भी हो डालना होता है, तो मेरे पास जो रुमाल थी वो बहुत छोटी थी, तो वो रुमाल सर पर नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि अपनी चुन्नी जो थी, मेरा स्टॉल जो था, तो अपने बाबू के सर पर बांध दिया है, तो पीले कलर का है तो वही मैंने बांध दिया है। और यहाँ पर पंडित जी पूजा वगैरह करा रहे हैं और मैं भी आराम से धीरे से वीडियो वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि मैं सामने कुछ फेस कर पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो में कहीं पर भी आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा का मतलब ही नहीं है, मतलब मैं दिखूँगी ही नहीं। तो और यहाँ पर मतलब जितने बच्चे थे वो सारे बच्चे विधिवत पूजा वगैरह करने में जुटे हुए हैं। तो पहले तो ये हो रहा था कि संडे को विसर्जन है, लेकिन बच्चों का मन था कि नहीं कुछ दिन पावर रहे, तो फिर ये हुआ कि चलो 7 दिन में विसर्जन करते हैं। तो फिर होता क्या कि मंगलवार को जो है लोग कहते हैं कि हवन वगैरह नहीं होता। हवन वगैरह का क्या मतलब कि तिल वगैरह नहीं चढ़ता है या नहीं छिटकाया जाता, भगवान जाने, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो ऐसा कुछ है। तो इसी वजह से ये सोमवार की शाम को हवन हो रहा। और होता क्या कि अगर उस दिन हवन भी होता तो काफ़ी टाइम हो जाता, क्योंकि दूसरे दिन भंडारा भी था, तो हवन होता फिर भंडारा भी होता तो दिक्कत हो जाती। दरअसल भंडारे की तो मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इस दिन तो मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ठीक थी, तो ये भंडारे के लिए ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हाथ एकदम खाली था। तो केवल ये मैंने आटा ही जो मेरे से हुआ है तो वही मैंने भंडारे की उसमें दिया है, बाकी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, बिल्कुल भी मेरा हाथ खाली था। तो जो भी कुछ हमसे थोड़ा बहुत बना तो वही चीज़ मैंने किया। तो इस दिन तो मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ठीक भी थी, लेकिन जिस दिन विसर्जन का था उस दिन मेरी बिल्कुल भी तबीयत नहीं थी सही थी, एकदम मेरी आँख बंद पड़ी थी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक मेरी आँख बंद ही रही है। पूरा भंडारा वगैरह बना, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे लोगों ने हवन किया, फिर उसके बाद बड़ों लोगों ने भी किया, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और ये पड़ोस के हैं हमारे, तो यहाँ पर जो आप लोगों ने गाड़ी की वीडियो देखी ना, तो ये गाड़ी इस तरह से खड़ी हुई थी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मतलब ऐसा पार्किंग बन गया था कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो पूरा साइड साइड गाड़ी लग गई थी और बीच से रास्ता दे दिया, तो मुझे ये चीज़ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब होने जा रही है आरती, तो मैं तो किसी भी चीज़ में मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, केवल खड़ी ही थी, केवल वीडियो शूट कर रही थी और बाकी लोगों को देख ही रही थी, और बाकी सब लोग आरती भी कर रहे थे, मैं साइड में खड़ी होकर कर रही थी। लेकिन आरती की थाल मेरे पास जब आई तो मैंने इधर ही साइड से ही आरती करी थी, वो साइड में ही गई थी। प्रसाद वगैरह भी मिला, लेकिन मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और हुआ क्या था कि ये जितने लोग आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे लोगों ने मतलब मूर्ति स्थापित जो की है ये सारे बच्चों ने ही की है। और इस विसर्जन
आगे की थी। और यहाँ पर ये वीडियो जो है मैंने दूसरे से ली हुई है, तो इसको ऐड किया हुआ है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं गई नहीं थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो भी आप लोग मुझसे कहना चाहते हो तो कमेंट के द्वारा ज़रूर कीजिए बताइएगा, और क्योंकि आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार मुझे बहुत ज़्यादा रहता है और आप लोग अभी भी मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मैं मतलब कि मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ लेकिन बोल कुछ और रही हूँ, है ना। तो इसी वजह से, और तो चलिए आप लोग भी आनंद लीजिए। और यहाँ पर पूजन होने के बाद जो नदी है तो वहाँ पर ही हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा।